नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज पहुंचे गुरुद्वारा कमेटी मुलताई में और यहां पर लगातार पिछले 5 दिनों से जो है गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था गरीबों जरूरतमंदों के लिए पहुंचाई जा रही है, की जा रही है और लगातार यहां पे ये लंगर बनाया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं हमारे चाचा से। जी बताइए, यहाँ पे अभी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था क्या है, दो तारीख से ना, पाँच दिन से लंगर चल रहा है। वो पैकेट बनाए जाते हैं और लोगों को जिनको तो गरीब घरों में घर में जाके मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, सब बच्चे जाते हैं, वो पहुंचा के आ जाते हैं और वो धन्यवाद देते हैं अपन लोगों को। और जो सेवा बन रही है सब आपस में मिलके सब सेवा कर रहे हैं, बच्चे सब जितने भी है, जिसमें मारवाड़ी भी है, सरदार जी भी है, सब जने मिलके सेवा कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई दिक्कत वाले मिलजुल के सब काम चल रहा है गुरुद्वारे में। कुल मिला के जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग एक मानवता के नाते यहाँ पे जो है मानवता के नाते जो सेवा बन रही है गुरुद्वारे से, वो हम उसके लिए संपूर्ण करने के लिए जो 21 तारीख 22 तारीख तक चलता रहेगा। ये वैसे भी पूरे देश और दुनिया में जो है गुरुद्वारा जाना जाता है और सिख जाने जाते हैं सेवा के लिए। आइए हम हमारे भाई से बात करते हैं। आप बताइए कि क्या सेवा यहाँ पे चल रही है अभी? यहाँ पे क्या है, ये 22 तारीख से लंगर की सेवा पूर्व व्यवस्था चल रही है और जो जो जिसको जरूरतमंद है उसको पूरी ये सेवाएं पहुँचाई जा रही है। पूरी स्वच्छता के अनुसार पूरे सैनिटाइज करके सब चीज साफ सुथरे तरीके से ये सब चीज पहुँचाया जा रहा है ताकि सबको भोजन मिल सके, सबका पेट भर सके। अभी जो जो जरूरतमंद है और इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हम तो यही कहते हैं कि सब एकता ही सही और एक साथ मिलके इस चीज़ से लड़ते रहें। और यहाँ पे जात वात कुछ नहीं है, आप तो सब जानते हैं कि गुरुद्वारा सब धर्मों के लिए एक समान होता है, तो यहाँ पर यही सब चीज़ें सब धर्म के मिलके यहाँ एक साथ होकर के लंगर बनाते हैं, तैयार करते हैं, फिर उसके बाद वितरण करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरुद्वारा कमेटी मुलताई का गुरुद्वारा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, चिरपरिचित है।